28 नवंबर 2023 वो तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। इस तारीख को कुछ ऐसा हुआ कि पूरे भारत में जश्न की लहर दौड़ गई। इस जश्न ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं, किस तरह से ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जश्न था एक लंबे संघर्ष के बाद 41 जिंदगियों के बचने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की एक सुरंग से 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की। दरअसल 12 नवंबर को निर्माणाधीन सिलकियारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा अचानक ढह गया था, जिससे उसमें काम कर रहे 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे। 28 नवंबर को जब ये मजदूर बाहर निकले तो उनको बचाने के अभियान की दुनिया भर की मीडिया ने सराहना की और इसका सीधा प्रसारण किया। बीबीसी ने बचाव अभियान पर नियमित रूप से अपडेट देते हुए कहा, पहले व्यक्ति को सुरंग से निकालने की खबर मिलते ही जश्न मनाया जाने लगा। उसने अपनी वेबसाइट पर एक तस्वीर अपलोड की जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सुरंग से निकाले गए श्रमिक से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं CNN ने कहा कि श्रमिकों को बचाने के अभियान में कई रुकावटें भी आईं, जब मलबे को हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही मशीन खराब हो गई और उसके बाद मैनुअल तरीके यानी रैट होल माइनिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। समाचार चैनल अल जजीरा ने खबर दी कि पास के अस्पताल में श्रमिकों को ले जाने के लिए सुरंग के पास एम्बुलेंस को तैनात रखा गया। उसने कहा कि मजदूरों को पाइप से बने रास्ते से बाहर निकाला गया। इन पाइप्स को बचाव दल ने मलबे में डाला था। द गार्जियन ने खबर दी कि श्रमिकों को निकाले जाने का दृश्य 400 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद आया और इस दौरान बचाव अभियान में कई अड़चनें आईं जिससे विलंब हुआ। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा, मानव श्रम ने मशीनरी पर विजय हासिल की क्योंकि विशेषज्ञ लोगों तक पहुंचने के लिए मलबे की अंतिम 10 मीटर से ज्यादा की खुदाई मैनुअली करने में कामयाब रहे। चलिए अब आपको मिशन की पूरी कहानी से भी रूबरू करा देते हैं। वो तारीख थी 12 नवंबर 2023, दिवाली का दिन था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की एक जगह थी जहां बन रही थी एक सुरंग। सुरंग में श्रमिक अपना काम करने में लगे थे। उनमें से 41 मजदूरों ने तब सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही पलों में अचानक कुछ ऐसा होगा जिसे वो शायद पूरी जिंदगी ना भूल पाएं। जी हां, ये कहानी है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग के एक हिस्से के टहने, उसमें लंबे वक्त तक 41 श्रमिकों के फंसने और फिर उनके सुरक्षित बाहर निकलने की। जब आप इस कहानी की तह तक जाएंगे तो ये आपको किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगी। लड़का फंसा हुआ है पहाड़ में, कब तक निकलेगा, खबर नहीं मिल रहा है। जो रोज बोला लेते, आज निकल जाए कल निकल जाए। गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप लोग? ये 24 घंटे में हो जाएगा। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये घटना 12 नवंबर की है, जब निर्माणाधीन सिलकियारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा अचानक ढह गया जिससे उसमें काम कर रहे श्रमिक फंस गए। इसके बाद थोड़ी राहत भरी खबर तब मिली जब इन श्रमिकों से संपर्क स्थापित हो गया। शुरू में इन श्रमिकों की संख्या 40 बताई गई थी। इन मजदूरों तक 4 इंच के पाइप से ड्राई फ्रूट्स भेजे गए, उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, वॉकी टॉकी के जरिए इन मजदूरों से बात की गई और उन्हें लगातार भरोसा दिलाया गया कि उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कई प्लान्स को लेकर चर्चा हुई। विदेशी टनलिंग एक्सपर्ट भी बुलाए गए। इस दौरान ऑगर मशीन के जरिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर खास जोर दिया गया, साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग के ऑप्शन को भी विकल्प के तौर पर रखा गया। खैर, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर तेजी से काम आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में इससे अच्छे संकेत मिले, फिर शुरू हुआ बाधाओं का सिलसिला, जैसे कि रास्ते में लोहा आने से मलबे में फंसकर ऑगर के ब्लेड्स मुड़ गए। उनको बाहर निकाला गया, फिर से काम शुरू किया गया। इस बीच एक बड़ी सफलता ये मिली कि 6 इंच डाया का पाइप श्रमिकों तक पहुंच गया, जिसकी मदद से उन तक ड्राई फ्रूट्स के बजाय प्रॉपर खाना भी पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, मजदूरों तक कैमरा भी पहुंच गया जिससे सुरंग में फंसने के बाद उनकी पहली तस्वीरें भी सामने आ गईं। इस सबसे मजदूरों की सलामती को लेकर थोड़ी तसल्ली मिली। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ, राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे।
आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के और किसी, सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं, ये सारी बातें सबको पता बहुत है। ठीक है, खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर? हाँ बिल्कुल, टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना? मगर बार बार दिक्कतों से जूझ रही ऑगर मशीन के लिए एक ऐसा वक्त आया कि उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद ऑगर मशीन के टुकड़ों को बाहर निकाला गया, मतलब ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का प्लान फेल हो गया। उधर दूसरे विकल्प के तौर पर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए तेजी से पहाड़ पर रास्ता तैयार किया गया। भारी मशीन को ऊपर तक पहुंचाया गया और वर्टिकल ड्रिलिंग को शुरू कर दिया गया। हालांकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के ऑप्शन को पूरी तरह छोड़ा नहीं गया। अब आगे बढ़ने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग पर विचार किया गया। इसके लिए रेड होल माइनिंग के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। पाइप के अंदर जा रहे हैं 800 mm पाइप में। अच्छा जी, और किस किस उसका यूज कर रहे हैं आप? हम हिल्टी का यूज कर रहे हैं, गुदाली का यूज कर रहे हैं, और भी कोई चीज मिलती है तो हम उसे भी यूज करते हैं, पंजी फावड़े सब यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो पाइप के अंदर आप लोग एक बार में कितने लोग जाते हैं? दो लड़के जाते हैं। अच्छा, जो आप जिस तरह से कर रहे हैं उसको रेट माइनिंग बोला जाता है? उसे बोला जाता है चूहा पुशिंग बोला जाता है अंडरग्राउंड। अच्छा, तो आप लोगों की कितने लोगों की टीम है? हमारी 12 लोगों की टीम है, हमारा एक मेन हेड है वकील हसन और उनके साथ में फिर 10 लड़के और हैं हमारे, हम 12 लोगों की टीम है। अच्छा, एक बार में कितनी देर काम करते हैं दो लड़के? एक बार में तीन घंटे काम कर लेता है। अक्सर इस तकनीक का इस्तेमाल कोयले की खदानों में होता रहा है। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर रेड होल माइनिंग करने वालों ने कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने तेजी से मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता खोल दिया। आखिरकार मजदूरों को निकालने के लिए पाइप का रास्ता उन तक पहुंच गया और सुरक्षित तरीके से उनको बाहर निकाल लिया गया। अब ये भी जान लीजिए कि सुरंग से बाहर निकले मजदूरों ने अपने अनुभव को लेकर क्या बताया। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत कुमार वर्मा है। विश्वजीत, आप 41 मजदूरों में से एक थे? एक थे। कैसा रहा आपका अंदर का जब आप फंस गए थे, तो क्या दिल में और दिमाग में चल रहा था? दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जब ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे, हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए, इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए, वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया, और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए, और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की गई। अच्छा, खाना पीना कैसा पहुंच रहा था? खाना पीना हम लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10-15-20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई, उसके बाद जो पाइप था हम लोग का पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज की हम लोग को प्राइवेट की गई। अब परिवार से बातचीत हो रही है, परिवार कैसा है? परिवार सब ठीक है अभी।
परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका कॉल सबसे बातचीत सब। होती तो परिवार आपका यहाँ पर आ गया? नहीं, परिवार मेरा नहीं आया है, मेरा भाई आया इधर। मैं सुबोध कुमार वर्मा झारखंड से हूँ। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती उसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को हवा, उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू किशमिश मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे, और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल चावल रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ इतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि जरा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं, अगर मैं स्वस्थ हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है सर, केंद्र सरकार राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था, और वहाँ जो केविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।